इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं उनके समर्थकों का क्या चरित्र है, समझ से परे है। बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के दौरान दो ग्रुप चुनाव लड़े, जिसमें व्यापारियों के माध्यम से एक संदेश आम जनता के बीच में गया कि एक पैनल की अगुवाई नगर के एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और दूसरे पैनल की अगुवाई जिले के एक बड़े भाजपाई नेता कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से दोनों भाजपाई नेता बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में आमने सामने आ गए। वास्तविकता यह है कि नगर के बड़े नेता ने काफ़ी कुछ पूरी ईमानदारी से अपने आप को चुनाव से दूर रखा, लेकिन जिले के बड़े भाजपाई नेता ने बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को अपनी पूरी प्रतिष्ठा झोंक दी। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी सिर्फ दो पद में ही अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिता पाए। अगर पूरी तरह से बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भाजपा समर्थित हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह से मिलने का मतलब समझ में नहीं आया। बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के कई पदाधिकारी दिग्विजय सिंह की हजूरी करते देखे गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या चेंबर के पदाधिकारी जल्दी ही कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं या प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से इनकी औपचारिक मुलाकात थी या इन व्यापारियों के माध्यम से दिग्विजय सिंह की मुलाकात के बहाने भाजपा के कुछ बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व को कोई नया संदेश देना चाहते हैं या चेंबर के पदाधिकारियों की दिग्विजय सिंह से मुलाकात की कुछ अन्य वजह भी हो सकती है। ये चेंबर के पदाधिकारी ही जान सकते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात राजनीतिक तौर पर नई चर्चाओं को जन्म दे गई। अब देखना यह है कि बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए पदाधिकारियों की अगली चाल क्या होती है। 2023 के चुनावी वर्ष में जिले के एक बड़े भाजपा के नेता के समर्थक जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की आवभगत में लगे हुए हैं, उसे देखकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, क्या उसी तरीके के परिणाम आने वाले हैं या बिंद चेंबर के पदाधिकारी भी राजनैतिक रूप से सुर्खियां बटोरने के काम में लगे हुए हैं। इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि बिंद चेंबर की नई कार्यकारिणी कुछ कर रही हो या न कर रही हो, लेकिन शहर में इनकी उछल कूद पर्याप्त दिख रही है। इस बीच में सोशल मीडिया में सतीश सुखेजा का एक बयान भी आया कि हम सिर्फ सतना शहर के विधायक के बुलावे पर होली मिलन समारोह में गए थे, हम भाजपाई हैं, भाजपा में रहेंगे, भाजपा हमारी आत्मा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।